फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में, अभी आ चुका हूँ एक नंबर प्लेटफॉर्म में। हे गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर के एक, लंच टाइम में गाइस अभी कंपनी पे काम ही कर रहा था और अभी एक बज चुके हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे एक शॉप पे नाश्ता करने के लिए। आज बिल्कुल मतलब लंच किए ही नहीं है, तो आए थे एक शॉप पे यहाँ पे। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, बहुत ख़राब लग रहा है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। आज मेरा ड्यूटी का लास्ट डे है गाइस, मतलब कंपनी पे आज आखिरी जॉब है मेरा, आखिरी डे। थोड़ा ख़राब भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम काम कर चुका हूँ, करीबन गाइस 3-4 महीने पहले। ठीक है, एक बार गाइस मैं 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रह के गया और अभी 1 महीना हो रहा है यहाँ पे रह चुका हूँ। तो यहाँ का काफ़ी सारे यादें, कंपनी के लोग, स्टाफ से मेरे रूम में, सब बहुत ज़्यादा याद आएंगे और सबको मिस करेंगे। बहुत अच्छा अच्छा याद यहाँ का लेकर के जा रहा हूँ। मतलब प्लेस से गाइस अगर इस जगह को मैं कंपेयर करूँ तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर अच्छा है यहाँ के लोग का, मतलब मिल के रहने काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इंजीनियर्स का लाइफ ऐसी है गाइस, मतलब कहीं पर जॉब किए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, 1-2 साल कंटिन्यू किए, अगर बेटर ग्रोथ के लिए कहीं पे अच्छी कंपनी पे जॉब मिला तो छोड़ के जाना पड़ता है। सारा याद को मतलब दिल पे रख के जाना पड़ता है क्योंकि बेटर ग्रोथ जरूरी है। और पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लेस पे काम किया, जैसे कि हल्दिया में काम किया था और अहमदाबाद में, और अभी गाइस फाइनली विशाखापट्टनम में काम कर रहा था, आप सबको पता होगा। लेकिन गाइस मैं जाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा प्लेस पे, वही का नाम है जाजपुर। तो निकलूँगा कल सुबह और रूम जाके गाइस सारा सामान जो है मुझे समेटना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान है, सब लेकर के जाना है। यहाँ पे नवंबर का लास्ट आया था और यहाँ पे काफ़ी सारा मैंने ब्लॉग बनाया, जैसे कि आप सबने देखा किस तरह से मतलब जॉब मिला, फर्स्ट डे किस तरह से जॉब में गया और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्लॉग में डाला विशाखापट्टनम के अंदर। आप जाके गए इस मेरे चैनल को विजिट करके देख लेना क्योंकि ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, मैं बहुत सारा बीच भी घूमा और बहुत सारा अच्छा अच्छा प्लेस भी घूमा, जैसे कि आरके बीच, कैलाश गिरी, सबका ब्लॉग में बनाया, आप जाके मेरा वीडियोज में चेक कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। फाइनल गाइस मैं आ चुका हूँ विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ये आप देख सकते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे है पार्किंग और ये है रेलवे स्टेशन और चारों साइड में लोग देख सकते हैं सुबह सुबह कितना ज़्यादा यहाँ पे है। तो गाइस सुबह सुबह निकले थे 5 बजे, तो कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन से आगे आप देख सकते हैं चाय पी रहे हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ टिकट काउंटर के सामने और फटाक से अभी जाके मैं टिकट कर लेता हूँ। ये रहा हमारा टिकट, ये देख सकते हो गाइस मस्त। मैं अभी आ चुका हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म में, लेकिन मुझे एक्चुअली जाना है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, तो फिलहाल मैं अभी चलता हूँ 4 नंबर। ये देख सकते हो भाई मैं अभी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 के बीच में, मतलब ये है 5 और वहाँ पे है 4। तो अभी ट्रेन के लिए टाइम है गाइस 8 बजे है, तो फिलहाल 1 घंटा मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ऐसे ही बोर हो जाऊंगा, पता नहीं क्या करूँ। बार की तरह ट्रेन इस बार भी लेट है, मतलब क्या ही बोलूँ आप सबको, 1 घंटा लेट है, मैं 8 बजे से वेट कर रहा हूँ। डबल अंडा बिरयानी खाना 50, गरम खाना ये दो अंडा 50 में, डबल अंडा 50। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं जाजपुर, अभी जस्ट पहुंचे गाइस। गाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्या ही बोलूं, बहुत परेशान हो गया मैं और सारा सामान लेके, मतलब बोल ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, मतलब आप मेरा हालत देख सकते हो, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ था, ऊपर से इतना ज़्यादा गर्मी। ठीक है, कैसे आया, किस तरह से आया, सिर्फ मुझे मालूम है गाइस, ऊपर से गाड़ी 2 घंटा लेट था ट्रेन। तो अभी चलते हैं गाइस कंपनी का रूम,